मिनिमम योग प्रैक्टिस फॉर ऑबेसिटी. सो वन इज अर्धहलासन. डू दिस एक एक पैर से या दोनों पैरों से. यू कैन डू दिस विद वन लेग और विद बोथ लेग्स. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और बैक एक, सो यू डोंट डू विद बोथ लेग्स, डू दिस विद वन लेग. और इफ यू आर हेल्थी, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस विद बोथ लेग्स. यू कैन डू दिस इन नंबर्स 25 to 50 टाइम्स फॉर ऑबेसिटी. इन टाइमिंग में 4-5 मिनट्स कंटिन्यूस डू दिस 5 मिनट्स. अभी तो एक ही मिनट नहीं हुआ है, करते रहो, घटेगा, पाताल में जाएगा नीचे. रिलैक्स. किया आपने 20-25 टाइम्स. सो इसके 3-5 राउंड्स आप कर सकते हो. एक राउंड किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा. 12 पोस्चर्स है. आज तो 5 to 7 बता रहे हैं आपको, 5 to 7 पोस्चर्स ओनली. सेकेंड पोस्चर घुमाओ ऐसे गोल 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 घुमाओ, गोल गोल घुमाओ. पाद वृत्तासन फॉर थाई बटक सिप्स. थाई बटक सिप्स बहुत मोटे हो गए. किसी किसी की तो जंघा इतनी मोटी होती है, एक पैर में ही मेरे पूरे जितना वजन होता है. 30 kg वन लैग, 30 kg सेकेंड लैग. ओहो हो, हे राम, वो चाले तो धरती हाले. गोल गोल घुमाओ. धरती माता भी बोझ मर रही है, मेरी माता जी कर लो ऐसे. पिताजी भी कम नहीं है. ओहो हो, राइट के बाद लेफ्ट से. कुछ पति पत्नी इतने मोटे मोटे हो जाते हैं और उनके बच्चे तो फिर हाथी के बच्चे की तरह. जेनेटिकली आती है सब प्रॉब्लम्स. सो सुन लो ध्यान से, अपने बच्चों को विरासत में जेनेटिकली प्रॉब्लम्स, डिजीज दे करके मत जाना. हेल्थ आप देखो बहुत जरूरी है. वेल्थ कितनी है आपके पास में, ये जरूरी नहीं है. वेल्थ तो आती जाती रहती है. यदि आपको जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक ऑबेसिटी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर हो गया, तो ये आपके बच्चों में ट्रांसफर होता है. इसलिए होशियार. कोई भी माँ बाप को बीमार नहीं होना और बीमार माँ बाप को औलाद पैदा नहीं करना. तो पहले योग से अपने आप को ठीक करो, फिर बच्चे पैदा करो. वो कहेंगे जी हमारे तो माँ बाप को ही बीपी है तो क्या करें. तो अपने आप को पहले क्लीन कर लो, पहले डिजीज फ्री करो. आजकल 5-स्टार होटल्स में हम लोग एनिमल ट्रायल करते हैं. हमारे यहाँ पर PRI में हम लोग ड्रग डिस्कवरी के लिए. गोल गोल घुमा रहे हो ना अभी, कभी मैं पागलों की तरह लगा रहा हूँ, मुझे नहीं घटाना, मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ. थर्ड द्विचक्रिकासन. सुनो, जीव जंतु को भी स्टरलाइज करके भेजते हैं, फूड भी, क्लॉथ्स भी, वस्त्र भी, सब सब चीजों को क्लीन करके रखते हैं कि कोई चीज में कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए, कोई वायरस नहीं रहना चाहिए. तो सब हर चीज को ऐसे ही चाहते हैं कि कहीं पर कोई ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए डिजीज. तो सुन लो, सारी डिजीज ट्रांसफर होती हैं किससे, माता पिता से बच्चों में. तो माँ बाप का पहले तो, अब आप तो जो पैदा हो चुके उनकी बात छोड़ो, आगे जिनको औलादे पैदा करनी है, शादी के बाद कम से कम 12 महीना योगाभ्यास करो. कितना महीना बोलो, और शादी के पहले भी कर लो तो अच्छा है. श्री कृष्ण जी ने बच्चा पैदा करने के लिए, उनका इकलौती संतान थी प्रद्युम्न, क्या नाम था बोलो, प्रद्युम्न. ये हमारे गुरु जी का भी नाम है इसलिए मुझे तो याद ही रहता है हमेशा. तो 12 साल तपस्या की रुक्मणी और कृष्ण जी ने. भगवान कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम था, रुक्मणी. बहुतों को तो राधा ही पता है. राधे राधे कर लो, गोल गोल घुमा लो. कर रहे हो ना आप लोग, मैं करते करते बोल रहा हूं, खाली लेक्चर नहीं फैल रहा यहां. करो.
करने से होगा, बोलो करने से, कर्म एक्शन, कर्म इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, करो करने से होगा, करने से पढ़ाई होगी, करने से कमाई होगी, करने से जीवन अच्छा होगा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ, पावर प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट अचीवमेंट्स विक्ट्री, सबके पीछे सत्य है कर्म एक्शन वर्क। सो वर्क इज वर्शिप, स्वकर्मणा तमाभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। रिलैक्स, दीज आर द फाइव पोस्चर्स फॉर ओबेसिटी। तो मैंने बोला बीमार होकर के मत जीना, बीमार माँ बाप मत बनना, बीमार औलादें पैदा मत करना। पहले अपने आप बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने बॉडी के जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए को करेक्ट करो, अपने स्ट्रक्चर को, करेक्टर को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, अपने सोल को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को पहले क्लीन करो, क्लींजिंग क्लींजिंग क्लींजिंग, शुद्ध करो, शुद्धिकरण। तो ये तीन अभ्यास हो गए, उल्टे लोटो। अब तो बरसात भी बंद हो गई, सारी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए थे, उल्टे लेट जाओ, मेरी तरफ सिर कर लो, आंखें पीछे की तरफ नहीं लगी, इधर देखो, ए भाई साहब इधर देखो मेरी तरफ कोई बात नहीं, थोड़ा हंसा रहा हूं तो मेरा थोड़ा हंसने का स्वभाव है, किसी को खराब तो नहीं लग रहा ना? बोले स्वामी जी हंसने के लिए तो हम लोग शो देखते हैं और वो हंसने वाले शो में भी नहीं हंसते तो उसमें फिर जो है वो किसी ने किसी हंसने वाले कपे जो है कौन से नवजोत सिद्धू टाइप या आपको, आप किसको बैठाना शुरू किया है, पता नहीं कौन सी है। अब मैं तो सबसे मिलता रहता हूँ, मैं आमने सामने आते हैं तभी थोड़ा बहुत पहचान पाता हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन जी से लेकर के, शिल्पा शेट्टी से लेकर के, और कितने जितने भी बड़े लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, किसी भी फील्ड में, सबको मैक्सिमम लोगों को योग के लिए प्रेरित किया है, सिखाया है। कोई मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पैदा ही योग को सिखाने के लिए हुआ हूँ, मेरा जन्म ही योग के लिए हुआ है, माई बर्थ इज फॉर योग। चलो जो ये मोटापा के लिए और स्पाइनल कोड के लिए भी अच्छा, ऐसे ऐसे उठाओ फिर नीचे आओ, जिनका पेट मोटा है ना वो ऐसे करना, ये पेट के लिए भी पीठ के लिए भी दोनों के लिए पूरा लाभप्रद है। ऐसे भी और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे, ऐसे भी स्लोली स्लोली करेंगे तो कमर अच्छी एकदम सेट हो जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। मैं बोल रहा था ना ये भुजंगासन और उत्तानपादासन और फिर मरकटासन और कर लो तो स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। तो ये रिलैक्स, ये 10 to 20 टाइम्स और स्लोली स्लोली इंक्रीज करके 25 to 50 टाइम्स यू कैन डू दिस फॉर ओबेसिटी। सो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दिस भुजंगासन, दीज आर द फोर पोस्चर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्चर्स फॉर ओबेसिटी। थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं ऐसे। चलो बाएं करोट लेके बैठ जाओ। नाउ द फिफ्थ पोस्चर फॉर ओबेसिटी, कम से कम बता रहा हूं ना, मिनिमम योगा प्रैक्टिस फॉर ओबेसिटी। और प्रत्येक अभ्यास कितनी बार करना है, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस हाउ इन नंबर्स, 25 टू एंड इन टाइमिंग 5 मिनट्स ईच एक्सरसाइज। सो डू दिस 1, 2, 3, 4, 5 लंबे लंबे श्वास विद डीप ब्रीदिंग, डू दिस कंटिन्यूअसली 25 to 50 टाइम्स।
रिलैक्स, दीज आर द फाइव पोश्चर्स फॉर ओबेसिटी. Thank you.